राज्य सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि जल्द ही पूरे राज्य के प्रत्येक कृषि वैज्ञानिक को एक एक प्रखंड सौंपा जाएगा, जो प्रखंड के सरकार के कृषि पदाधिकारी, किसान समन्वयक एवं किसान सलाहकार के ज्ञान को अपडेट करने का काम करेंगे व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, साथ ही उनके साथ मिलजुल कर कृषि कार्य को बढ़ावा देने में भूमिका निभाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय का निर्माण किसानों की खून पसीने की कमाई की राशि से प्राप्त टैक्स द्वारा किया गया है, इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि खेतों में किसानों की वास्तविक चुनौतियों से वैज्ञानिकों को रूबरू होने की जरूरत है। उक्त बातें कृषि मंत्री श्री सिंह ने शुक्रवार को डुमराव स्थित कृषि महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के बीच महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुनने के दरमियान कही। उन्होंने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप काफी सौभाग्यशाली छात्र छात्राएं हैं जो 25 एकड़ में निर्मित कृषि कॉलेज में महज 60 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। आप मन लगाकर पढ़िए और पढ़कर राज्य के विकास में योगदान दीजिए। महज पैसा कमाने के लिए मत पढ़िए, जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ना ही बहादुरी है। उन्होंने कहा कि देश व प्रांत के विकास में योगदान देने वाले का इतिहास लिखा जाता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को पठन पाठन के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाए और जीवन में आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की हर एक समस्या का अवश्य निदान करने का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता के साथ मूल्यवर्धन करना जरूरी है। राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक धन निवेश करने का काम किया है। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती करना और कृषि कार्य के दरमियान वास्तविक चुनौतियां अलग है। वर्तमान वैज्ञानिकों से कैमूर जिला के किसान डेमोनस्ट्रेशन मामले में आगे हैं। इसके पूर्व कृषि मंत्री द्वारा वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण एवं महाविद्यालय परिसर स्थित प्रयोगशालाओं व छात्र छात्राओं के छात्रावास का निरीक्षण किया गया। पहली बार कृषि व कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर में पहुंचे प्राचार्य डॉक्टर जेपी सिंह व डॉक्टर रियाज अहमद ने कृषि मंत्री को वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा भेंट कर व अंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष शेषनाथ सिंह, संतोष भारती, रामेश्वर सिंह, अमरेंद्र केवट, हरेंद्र सिंह एवं महंत सिंह आदि मौजूद थे। बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह डुमराव अंचल के कोपवा गाँव में अनंत चतुर्दशी के मौके पर परंपरागत तौर पर आयोजित होने वाले कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद कृषि महाविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। रहे हो शिकायतें रहेंगी, जब आप जीवन में हैं तो शिकायतें कभी समाप्त नहीं होने वाली, लेकिन इस बात को भी याद करिएगा कि आप तब पर भी अन्नों से, जो हमारा समाज है, जो आपके परिवेश है, अगल बगल में गांव के लोग हैं, अन्नों से बेहतर आप सुविधाओं में रहते हैं। आज भी याद करिए, जब अम्बेडकर साहब जिस परिवेश में आते थे उसमें चपरासी भी नहीं पैदा होता, लेकिन पढ़े और पढ़ करके समाज को वापस किया। गांधी समर पढ़ करके उन्होंने समाज को वापस किया। देश की आज़ादी कोई साधारण बात थी क्या? उसी को आप उसी के रूप में दिया, वह भी बहादुरी था। तो हम एक महीने बाद हम आपके बीच में पुनः आएंगे। कुछ आपकी समस्याओं को तब तक मैं सुलझा चुका हूँगा और कुछ जो समस्याएं रह गई होंगी वो हम जरूर आपके समाधान के तरफ बढ़ेंगे। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को हम संभालते हैं। एक रिक्वेस्ट सर आ रहे हैं हम लोग को, सर ये हम लोग तो जो भी सर हम लोग का वैकेंसी आ रहा है उसको रेगुलर किया जाए सर, कैलेंडर के रूप में लागू किया जाए सर, जिससे कि बच्चा को बेनिफिट हो और बच्चा उसके तरह से एग्रीकल्चर के प्रति रुझान हो और जिससे किसान की और एग्रीकल्चर की पढ़ाई को और भी अच्छा किया जाए। केवल सरकार ही नहीं, स्टेक होल्डर्स है, मेरी बात को समझिए, दुनिया में सरकारें ही रोजगार नहीं देती हैं। आपकी प्रतिभा अगर प्रतिभाशाली है तो निजी क्षेत्रों में भी अच्छे अवसर हैं, और ये मैं कहता हूँ कि सरकारों से ज्यादा वो तनख्वाह देते हैं। आप उसकी तैयारी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं कि आपको सरकार में नहीं आना, नहीं आएगा तो सरकार चलेगी कैसे, लेकिन आप इस विश्वास के साथ कि जॉब मार्केट में गवर्नमेंट प्लेयर है लेकिन छोटा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर आज निजी क्षेत्र है। इस दुनिया कोई भारत की बात नहीं, दुनिया भर में जाइए, जितना कारगिल का नाम सुने हैं, मोनसेंटो का नाम सुने हैं, ये भारत सरकार के बराबर इनका वैल्यूएशन है। उनके पास स्टाफ 50-50 लाख दुनिया में है और ज्यादा तनख्वाह भी देते हैं। कहाँ अमेरिका में मोनसेंटो की कंपनी, आप चले जाइए पूर्णिया में उसके पास वेयर हाउस है जहाँ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन से लेकर उत्पादन से लेकर प्रोक्योरमेंट तक। तो पूरी प्रक्रिया में दिमाग को साफ रखना है कि हमको एक ऐसा छात्र बनना है जो जॉब मार्केट में आपके पीछे लोग घूमे, ये अपनी हाँ विशेषज्ञता हासिल करना है। मैंने कहा कि आपको जो अवसर मिला है कोई साधारण अवसर नहीं मिला है। इतने बड़े 25 एकड़ के कैंपस में आप 60 बच्चे आते हैं, इतने में ही बिहार सरकार के स्कूल में इतने में हम लोग 6
6000 बच्चे को पढ़ाएंगे, जो एक से लेकर दसवीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, इतने ही बड़े कैंपस में हम लोग 10,000-6,000 पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कि आपके लिए जो अवसर है वो साधारण नहीं मिला है, आप उसको भी गौर करिए। शिकायतें तो जीवन में रहेंगी ही रहेंगी, मैं मानता हूँ वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। कोई जो साइकिल पे चढ़ता है तो उसको सोचता है मोटरसाइकिल पे आ जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि कार पे आ जाए, कार वाला सोचता है कि हमको हेलीकॉप्टर मिल जाए, हेलीकॉप्टर वाला भी स्पेस में जाने की बात कर रहा है। रोज जो जेम्स अमेजन वाला, हाँ, तो वो जाना चाहता है, जो बॉसेज क्या नाम है उसका, बोल रहे हैं, तो वो जाना चाहता है स्वर्ग में, सीढ़ी लगाए हुए हो। तो ये हमारे परंपरा है, चलती रहेगी, लेकिन आप अन्यों से एक स्टेप आगे हैं और आपकी काबिलियत आपको और आगे ले जाएगा, वो हम मदद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।